हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में। तो बेसिकली व्हाट इज़ वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी, उसका मतलब क्या होता है कि जो वाइब्रेशन होता है, नाम बहुत सिंपल है कि वाइब्रेशन होता है वो ट्रांसमिट होता है। कहाँ पर ट्रांसमिट होता है? तो मशीन टू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जो वाइब्रेशन होता है वो मशीन से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर तक ट्रांसमिट होता है, जो कि मशीन माउंटेड होता है स्ट्रक्चर के ऊपर। दैट इज कॉल्ड दी वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी के दो टाइप है, एक तो है फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी एंड सेकंड इज मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, तो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, मोस्ट IMP है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, ये मशीन है और ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है और उससे जो यहाँ पे ट्रांसमिट होता है वाइब्रेशन, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। दूसरा जो है मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी, उसका मतलब कि यहाँ पे जो मोशन होता है, फोर्स होने आने की वजह से यहाँ पे मोशन होता है। ठीक है, और उससे जो यहाँ पे वाइब्रेशन ट्रांसमिट होता है, दैट इज कॉल्ड द मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा TR। ठीक है, TR इज इक्वल टू व्हाट? FT/FO। मतलब कि फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन बोली जाए, देन फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन, फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन अपॉन फोर्स इम्प्रेस्ड अपॉन द सिस्टम। सिंपल एग्जाम्पल देके आपको समझाऊं, तो सपोज मैं वेट मेजरिंग मशीन पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरा वेट कुछ दिखा रहा है। अब मैं मेरे हाथ में कोई वाइब्रेटरी सिस्टम मैं ले लेता हूँ, ठीक है, जो फ्लक्चुएट हो सके, तो क्या होगा, मेरा जो लोड है, मेरा जो वेट है, ठीक है, वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे 60 kg वेट है, तो 60 kg वेट जो दिखा रहा है वो ये है, फोर्स इम्प्रेस्ड अपॉन द सिस्टम। और यहाँ पे जैसे मैं कुछ सिस्टम लेके खड़ा हूँ और उसकी वजह से फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स ट्रांसमिटेड टू फाउंडेशन। ओके, तो ये समझाने के लिए था, ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बेसिक समझने के लिए, अदरवाइज आप सिंपल डेफिनेशन याद रखोगे तो भी चलेगा, फोर्स ट्रांसमिटेड टू फाउंडेशन अपॉन फोर्स इम्प्रेस्ड अपॉन द सिस्टम। नाउ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी जो है उसका काम क्या है बेसिकली, तो उसका काम क्या है, टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेटिंग मटेरियल। मतलब कि यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे मशीन है और ये स्ट्रक्चर है। अब मशीन से स्ट्रक्चर जो फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है या तो वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो रहा है, तो यहाँ पे जो आइसोलेटर जो है वो कितना आइसोलेट कर पाते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है या तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ तक कितना जा रहा है। ठीक है, तो ये मेजर करता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेशन। समझ में आया गया होगा आपको। अब यहाँ पे एज अ आइसोलेटर हम क्या रख सकते हैं, एक तो स्प्रिंग एंड दूसरा है डैम्पर। तो बेसिकली ये एक्चुअल सिस्टम है और ये इक्विवेलेंट सिस्टम है। ठीक है, तो ये समझने के लिए है कि यहाँ पे क्या है, मास है, ये है के स्प्रिंग स्टिफनेस होगी एंड सी डैम्पर है। ठीक है, तो लेट अस कंसिडरिंग द मास सपोर्टेड ऑन द फाउंडेशन बाय मीन्स ऑफ आइसोलेटर एंड एक्साइटेड एक्सटर्नल फोर्स FO sin ωt। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये FO sin ωt एज अ एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे FO sin ωt डाउनवर्ड लगेगा, देन इनर्शिया फोर्स अपवर्ड लगेगा, डैम्पिंग फोर्स अपवर्ड लगेगा एंड स्प्रिंग फोर्स भी अपवर्ड लगेगा। तो ये तीनों फोर्स अपवर्ड है और ये एक डाउनवर्ड है। ठीक है, अब ये जो है फ्री बॉडी डायग्राम, आपको मतलब करना क्या है इसमें, तो ये सिस्टम को थोड़ा बहुत ड्रॉ करना है, ये डेफिनेशन समझा देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें मास है और ये डाउनवर्ड फोर्स है और ये तीन अपवर्ड फोर्स है। ठीक है, और ये जो है ये आपको बताना है, तो यहाँ पे बेसिकली FT जो है, ठीक है, मतलब कि FT आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, FT क्या है, फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन, एंड FO क्या है, फोर्स इम्प्रेस्ड अपॉन द सिस्टम। तो यहाँ पे ये रहा आपका FT, ओके, फोर्स ट्रांसमिटेड एंड यहाँ पे फोर्स इम्प्रेस्ड अपॉन द सिस्टम। नाउ यहाँ पे
जो स्प्रिंग फोर्स लगने वाला है वो इस तरह से लगेगा, इसको हम कंसिडर करेंगे के एक्स, एंड उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे जो लगेगा डैम्पिंग फोर्स वो लगेगा ये जो है ना डैम्पिंग फोर्स सी एक्स डॉट। तो सी एक्स डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, सी एक्स डॉट को हम लिख सकते हैं सी ओमेगा एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स डॉट जो है उसे हम ओमेगा एक्स लिख सकते हैं, यानी कि ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी ओमेगा एक्स, ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा अल्फा, यानी कि ये एंगल बनेगा अल्फा, एंड ये जो एंगल है एफ ओ से यहाँ तक वो बनेगा फाई, ओके। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे फाई माइनस अल्फा, ओके। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है, और इसके बेस पे आपको ये इक्वेशन आएगा जो कि पाइथागोरस, वेरी सिंपल इक्वेशन है, फोर्स ट्रांसमिटेड टू फाउंडेशन एफ टी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एफ टी जो है फोर्स ट्रांसमिटेड टू फाउंडेशन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट के एक्स स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाइथागोरस लॉ है। अब यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, ये x कॉमन निकल गया। अब ये जो x है ना फ्रेंड्स, ये x आपने मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर थियरी देखी हो तो उसमें हमने ये फाइंड आउट किया था और हमने देखा था, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है कि एफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये एफ टी इज इक्वल टू फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन एफ टी इज इक्वल टू x, ये पूरा आएगा x, ठीक है। आप पॉज करके देख सकते हो शांति से, एफ ओ बाई के अपॉन अंडर रूट ब्रैकेट वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, एंड के स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पे रहेगा ही, ओके। अब यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे के को कॉमन निकाल लिया। अगर के को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे के रखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे ये इस तरह से k रख दिया है यहाँ पे, और k को कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और k को कॉमन निकाला है तो ये k यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि जो सेकंड स्टेप आएगा उसमें इस तरह से आएगा, ठीक है। आप समझ सकते हो यहाँ पे सेकंड स्टेप देख के देख सकते हो, ठीक है, और समझ सकते हो। तो यहाँ पे 1 प्लस सी ओमेगा बाई के होल स्क्वायर आएगा, एंड अंडर रूट में अपॉन जो भी होगा वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे सी ओमेगा बाई के इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, ये भी प्रीवियस थियरी में आपको मिल जाएगा, आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ओमेगा बाई के इज इक्वल टू हमने लिख दिया 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। तो फाइनली यहाँ पे जो एफ ओ था ना, एफ ओ वो अब आ जाएगा नीचे, यानी कि हमें जो फाइंड करना था वो मिल गया। तो टी आर इज इक्वल टू एफ टी बाय एफ ओ, तो वो हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इक्वेशन जो है वो आपको यहाँ पे सॉल्व आउट करना है। तो ये इक्वेशन आपको डिराइव करना है बेसिकली, टी आर इज इक्वल टू एफ टी बाई एफ ओ, एंड ये पूरा इक्वेशन आपको डिराइव करना है, ओके। नेक्स्ट पेज में मैंने सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे दूसरा है एंगल ऑफ लेग। अब एंगल ऑफ लेग मतलब क्या, कि जो मैंने आपको बताया, फिर से यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे जो था सपोज ये के एक्स था, ओके, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एफ टी था, देन एफ ओ था, ठीक है, और ये पूरा जो एंगल था वो था फाई, ये एंगल था अल्फा, और ये एंगल होगा फाई माइनस अल्फा। तो ये हमें एक्चुअली लेना है फाई माइनस अल्फा। तो बेसिकली यहाँ पे अल्फा क्या होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, ये होगा सी ओमेगा एक्स, तो टेन इनवर्स सी ओमेगा एक्स अपॉन के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स c ओमेगा अपॉन k, तो ये हमारा हो गया अल्फा, और उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा n। तो अल्फा मिल गया। अब phi, तो phi आपको पहले फेज एंगल, पहले एक थियरी आती थी कि फोर्स ड्यू टू रोटेटिंग मास, ठीक है, तो उसमें भी आपको phi मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो phi डायरेक्टली लिख दिया है कि phi इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन अपॉन 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये आ गया अल्फा। तो यहाँ पे ये phi माइनस अल्फा जो कि एंगल ऑफ लेग है वो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। तो होप आपको ये थियरी समझ में आई होगी, ओके। तो अगर ये पूछा जाए तो ही आपको अटेंड करना है एंगल ऑफ लेग, अदरवाइज आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, ठीक है, ओके। सो ये था बेसिकली फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी,
या तो हम बोल सकते हैं वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी और उसका एक टाइप्स है, ठीक है। मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी हम बाद में देखेंगे, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट रखना है। तो मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी अगर आप देखोगे तो भी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।